हमारी धरती की सतह 71% पानी और 29% जमीन से ढकी हुई है, और जमीन पर भी कुछ ऐसा भाग है जहां मनुष्यों का रह पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उस भाग में पाए जाते हैं डेजर्ट्स। डेजर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पूरे साल में औसत रेनफॉल 10 इंच से कम होती है, जिसमें शामिल हैं हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स, सेमी एरिड डेजर्ट्स, कोस्टल डेजर्ट्स एंड कोल्ड डेजर्ट्स, जिसमें पोलर डेजर्ट्स भी आते हैं। ये सभी मिलकर जमीन के कुल भाग का 33% हिस्सा कवर करते हैं। हालांकि यहाँ कुछ जानवर जरूर पाए जाते हैं जिनको हम आगे के वीडियो में जानेंगे, और हम जानेंगे विश्व के 10 सबसे बड़े डेजर्ट्स के बारे में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो धरती पे सबसे बड़ा डेजर्ट है एंटार्कटिक डेजर्ट, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है और जहाँ अर्थ का साउथ पोल भी पाया जाता है। ये लगभग 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एंटार्कटिक डेजर्ट बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी थिकनेस 4 मील तक की है। यहाँ बस कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप ही रहता है जो कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए है। यहाँ जो जानवर मुख्य तौर पर पाए जाते हैं उनमें शामिल हैं पेंगुइन्स, व्हेल्स, सील्स, अल्बाट्रॉसेस और भी बहुत सी सी बर्ड्स। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा डेजर्ट है आर्कटिक डेजर्ट, और ये भी एक कोल्ड डेजर्ट है जो कि लगभग 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और जो कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, रशिया, स्वीडन और US के कुछ पार्ट्स को भी कवर करता है। आर्कटिक डेजर्ट अपनी तेज गति से बहने वाली हवाओं के लिए जाना जाता है, और यहाँ का टेम्परेचर रेंज -40 डिग्री फ़ारेनहाइट से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है। आर्कटिक डेजर्ट ग्लेशियर, बर्फ और चट्टानों से ढका हुआ है, और यहाँ पर आइवरी गुल की बड़ी बड़ी कॉलोनीज पाई जाती हैं, और इसी के साथ अटलांटिक वॉलरस, पोलर बियर, आर्कटिक वॉल्फ, वेल और आर्कटिक हेयर भी पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर आता है सहारा डेजर्ट, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट है और नॉर्दर्न अफ्रीका के 92 लाख स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा डेजर्ट 13 कंट्रीज़ को कवर करता है और साइज़ के हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स जितना बड़ा है। सहारा डेजर्ट अपने दिन के ऊंचे अथवा गर्म तापमान और रात के जमा देने वाले निचले तथा ठंडे तापमान के लिए जाना जाता है। चौथे नंबर पर है अरेबियन डेजर्ट, जो कि एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, जिसे ट्रॉपिकल रीजन में होने की वजह से ट्रॉपिकल डेजर्ट भी कहा जाता है। अरेबियन डेजर्ट वेस्ट एशिया में स्थित है, जो कि यमन, पर्शियन गल्फ, ओमान, जॉर्डन और इराक के 23,30,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उनके नाम हैं अरेबियन ऑरिक्स, सैंड कैट, माउंटेन गेजर, अरेबियन लियोपॉड, न्यूबियन आइबेक्स एंड हमाद्रियास बबून। पाँचवें नंबर पर आता है गोबी डेजर्ट, जो कि एक कोल्ड डेजर्ट है, जिसे विश्व के लार्जेस्ट डायनासोर फॉसिल रिजर्वायर के रूप में भी जाना जाता है। गोबी डेजर्ट नॉर्थ वेस्टर्न चाइना और साउथर्न मंगोलिया में स्थित 12,95,000 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि एशिया के सबसे बड़े डेजर्ट में से एक है। यहाँ जो जानवर पाए जाते हैं उनमें शामिल हैं स्नो लियोपॉड, ब्लैक टेल्ड गेजल, गोबी वाइपर, जरबुआ, गोबी बियर, गोबी आइबेक्स, वाइल्ड बैक्ट्रियन कैमल। इसके अलावा और भी कई प्रजातियों के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।